हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। आई एम स्नेहल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट फज। इसके लिए हमें चाहिए होगा डार्क चॉकलेट, कंडेंस मिल्क, बटर, नट्स एंड चेरी। फ्रेंड्स, इसको हम डबल बॉयलर में मेल्ट कर रहे हैं चॉकलेट को। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी गर्म रख दिया है। अभी ये जो मैंने चॉकलेट ली हुई है, ये 200 ग्राम के करीब चॉकलेट है। ये बाउल मैं इसके ऊपर रख दूंगी। मेक श्योर कि ये बाउल जो है वो पानी को टच ना करे, इसलिए हमें नीचे का बाउल थोड़ा सा छोटा और ऊपर का ये हीट प्रूफ होना चाहिए वो लेना है। आप स्टील के बाउल में भी ये कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी आप कर सकते हो मेल्ट, लेकिन सबके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने इसमें इसको बनाया है। अभी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। इसको हम मिक्स करते रहेंगे। ये अभी मेल्ट होने लगी है। ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट्स में ये पूरी मेल्ट हो जाती है। और अब ये इसमें थोड़े से लम्स है, जो कुछ बड़े बड़े से होते हैं पीसेस, वो है, वो भी इसमें मेल्ट हो जाएंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। ये पानी नीचे गर्म होता है, उसकी स्टीम से ये सारा मेल्ट हो जाएगा। अभी ज़्यादा इसको हीट में नहीं रखना है, अदरवाइज ये चॉकलेट जो होती है ना, वो कर्डन होने लगती है। अभी ये हमारी रेडी है, इसमें लम्स भी नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून बटर, मेल्टेड बटर है ये, और ये काजू और बादाम मैंने इसमें लिए हैं। आप चाहे तो अखरोट भी इसमें साथ में डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ अखरोट से भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें चेरी ली है, आप कोई भी बेरीज भी अलग से ले सकते हैं। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम ये बाउल में इसको सेट होने के लिए रखेंगे। इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको भी मैंने ग्रीस कर दिया है। अब हम इसके अंदर ये चॉकलेट हमारी ऐड कर देंगे। इसको हम इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने इसके अंदर अच्छे से सेट कर लिया है। अभी हम इसको फ्रीज में रख देंगे करीबन आधा या 1 घंटे के लिए। वैसे ही आधे घंटे में सेट हो जाती है, अगर नहीं होती है तो आप 1 घंटा रख दीजिएगा। अभी मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ, फिर हम कट करेंगे। आफ्टर 1/2 आवर्स मैंने इसको फ्रीज में से निकाल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा चॉकलेट फज रेडी है। रेडी है हमारे चॉकलेट फज। इसमें आप वाइट चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन हम फज में भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे यम्मी टेस्टी डार्क चॉकलेट फज। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।